अगर आप थाईलैंड जाते हो वो भी 11 नवंबर से, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आने वाला वीज़ा जो है 2200 बात का होता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जॉर्डन इज़ अ मिनी ब्लॉगर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ थाईलैंड के वीज़ा फ्री के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड जाने का प्लान किया होगा, जो कि अभी वीज़ा फ्री चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या थाईलैंड का वीज़ा हम इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है? तो दोस्तों जी हाँ, इसका सवाल है यस। थाईलैंड का वीज़ा हमारे इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है। अगर आप थाईलैंड जाते हो वो भी 11 नवंबर से पहले, तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट पर जाना है, और एयरपोर्ट पर जाने के बाद में आपको एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। जब आपकी एंट्री एयरपोर्ट पर होंगी, तब आपको जो वीज़ा की फ़ीस लगती है वो वीज़ा की फ्री अब नहीं लगने वाली है। आपको थाईलैंड का वीज़ा बिल्कुल वीज़ा फ्री मिलने वाला है, आपको एक भी रुपया वीज़ा का नहीं लगने वाला है। लेकिन अब कुछ लोगों के सवाल ये भी होंगे कि हमारा जो थाईलैंड का जाने का प्लान है, वो थाईलैंड जाने का प्लान 11 नवंबर के बाद का है, यानी कि हमने नवंबर या दिसंबर में थाईलैंड जाने का प्लान किया है, तो क्या हमें वीज़ा फ्री मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड का वीज़ा इंडियन लोगों के लिए 11 नवंबर तक वीज़ा फ्री है। 11 नवंबर के बाद में थाईलैंड का वीज़ा आपको फ्री मिलेगा या नहीं, या वीज़ा की एक्सटेंशन डेट क्या होने वाली है, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको वीडियो के जरिए ज़रूर बता दूंगा। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, जो थाईलैंड का जो पीक सीज़न होता है, यानी कि जो पीक सीज़न में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट थाईलैंड में जाते हैं, वो पीक सीज़न अभी ये अक्टूबर मंथ खत्म होते ही शुरू होने वाला है। यानी कि जो थाईलैंड का पीक सीज़न है, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट थाईलैंड को विजिट करते हैं, वो पीक सीज़न का टाइम है नवंबर से लेके तो अप्रैल मार्च अप्रैल तक। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में संक्रांत नाम का फेस्टिवल होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। अगर आपने संक्रांत का फेस्टिवल का व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके व्लॉग देख सकते हैं। तो दोस्तों, संक्रांत का टाइम होता है मार्च और अप्रैल, और ये जो पीक सीज़न है वो पीक सीज़न स्टार्ट होता है आपको अक्टूबर 30 के बाद में। यानी कि अभी तो थाईलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, थाईलैंड के जो साउथ साइड के जो एरिया है, वो साउथ साइड के एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ चुकी है, आप लोगों ने न्यूज़ देख ही लिए होंगे। तो थाईलैंड का जो पीक सीज़न शुरू होगा वो 30 अक्टूबर के बाद का सीज़न होगा, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद में, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने तक के थाईलैंड का जो पीक सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो थाईलैंड को विजिट करने वाले हैं। इसमें अब बात आती है जो वीज़ा फ्री है इंडियन के लिए, वीज़ा फ्री तो सिर्फ 11 नवंबर तक है, तो आगे की क्या बात है? तो आगे की जो बात है वो मैं आपको बता दूँ कि अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है वीज़ा फ्री के बारे में। लेकिन टूरिस्ट लोगों की बात करें तो थाईलैंड का जो वीज़ा है वो फ्री हो सकता है, लेकिन अभी आने वाला जो सीज़न है वो सीज़न पीक सीज़न है, तो हो सकता है कि थाईलैंड की जो टूरिज़्म है वो फिर से वीज़ा फ्री हो जाए, यानी कि थाईलैंड की एम्बेसी आपको फिर से वीज़ा फ्री की सेवाएँ दे दे। अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि थाईलैंड का 11 नवंबर के बाद में वीज़ा फ्री होने वाला है या नहीं। अगर वीज़ा फ्री होता है तो मैं आपको मेरी वीडियो के जरिए मैं आप सब लोगों को ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि वीज़ा फ्री नहीं हुआ तो क्या करना होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वीज़ा फ्री नहीं हुआ तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ेगा। हर बार के लिए थाईलैंड जाते टाइम पे आपको लेना पड़ता है। दोस्तों, ऑन अराइवल वीज़ा कितने रुपए का होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो थाईलैंड के 2200 बात का होता है, यानी कि 2200 थाई बात का होता है, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो होते हैं 5000 के आसपास समथिंग। तो लेट्स सी, वेट फॉर इट, देखते हैं कि थाईलैंड का वीज़ा फ्री होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं 11 नवंबर के बाद में थाईलैंड का कुछ अपडेट आता है या 11 नवंबर के पहले ही थाईलैंड का अपडेट आता है। अगर 11 नवंबर के पहले थाईलैंड का कुछ वीज़ा फ्री का अपडेट आ गया तो मैं मेरी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को लाइक और आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।